हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का वीडियो इमरान खान सर के ऊपर होने वाला है। उनकी स्पीच के ऊपर आज हम रिएक्शन करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी ना न्यूज़ें आ रही हैं कि उनकी ना सरकार गिरने वाली है, जिसके पीछे रीज़न ये है कि उनकी ना अपनी पार्टी के कुछ MPs हैं जो उनके अगेंस्ट जा रहे हैं और वो उनके अगेंस्ट जो है वो वोट देंगे, जिससे उनकी जो सरकार है वो शायद गिर सकती है। मुझे इस बारे में नहीं पता, ऐसा न्यूज़ में आ रहा है, ये 28 के बाद पता लग ही जाएगा। लेकिन आज जिस वीडियो के ऊपर हम रिएक्ट करने वाले हैं उसमें उनकी कोई लेटेस्ट स्पीच आई है। अब उसके अंदर क्या उन्होंने बोला है वो मुझे नहीं पता, वो हम देखेंगे। शायद पाकिस्तान की आवाम के लिए कोई स्पीच होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को देखना, पर बिफोर आई स्टार्ट इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डू ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, अगर आप लोगों ने वहाँ मुझे फॉलो नहीं किया। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ। खुशखबरी? खुशखबरी खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये है, खुशखबरी ये है मेरे नौजवानों। अच्छा नहीं, खुशखबरी बाद में चलाऊंगा, ये पहले बात कर दूं कि मैंने पाकिस्तान में रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाई है। इसका मकसद कि अपने बच्चों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, नबी का रास्ता, नबी की जिंदगी, उससे मैं अपनी कौम के कैरेक्टर को उठाऊं, अपने लोगों को अच्छे और बुरे की तमीज सिखाऊं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है वो हम अपने स्कूलों से शुरू कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर रिसर्च करवा रहे हैं, डिबेट्स करवाएंगे। मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं कि मेरे मुल्क के नौजवानों को पता हो कि दुनिया का सबसे अजीम लीडर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने कैसे इंसानों को तब्दील किया था, उसने कैसे मदीना में इंसानों के कैरेक्टर बदले थे, उसने कैसे इंसानों को तब्दील करके दुनिया की इमामत करवाई थी, उसने कैसे छोटे से लोगों को अजीम लोग बना दिया, उसने कैसे जो मौलाना रूमी कहते हैं, मौलाना रूमी कहता है नौजवानों, कहता है अल्लाह इंसानों को कहता है कि मैंने तो तुम्हें पर दिए थे तो क्यों चूंटियों की तरह जमीन पर रींग रहे हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को पर दे के अजीम कौम बनाया था। ये मेरा मकसद है। ये 70 साल पहले रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी बननी चाहिए थी, जो हमने अब बनाई है और इंशाल्लाह तरबियत करेंगे अजीम कौम बनाने के लिए। तो जो मैं आपको खुशखबरी ये सुना रहा हूं कि ये जो थ्री स्टूजेस का मतलब, स्टूज का मतलब होता गुलाम, ये जो तीनों गुलाम हैं थ्री स्टूजेस, इन्होंने बड़ी ज्यादा साजिश करके पैसा इकट्ठा करके बाहर के लोगों के घुटने दबा दुबू के, पाँव पकड़ के, जूते पॉलिश करके, तो कहा कि किसी तरह बस इमरान खान को ये देखे ना, ये तो आपकी बात नहीं मानेगा, हम आपके गुलाम हैं, हम आपकी खिदमत करेंगे। तो इन्होंने बड़ा जोर लगा के ये साजिश की। तो मैं जब आखिरी वर्ल्ड कप खेलने गया था, नौजवानों 5 वर्ल्ड कप खेला था, 3 में कप्तान था। लेकिन आखिरी वर्ल्ड कप जाने से पहले आप अखबार पढ़ लें, निकाल लें पुराने अखबार, मैंने जाने से पहले कहा था कि ये वर्ल्ड कप मैं जीत के आऊंगा। मेरी वो पुरानी टीम से पूछ लें, आधे वर्ल्ड कप के ऊपर हम बिल्कुल नीचे थे, मेरी टीम घबराई हुई थी कि जी हम वापस जाएंगे, अंडे मारेंगे लोग, बहुत प्रेशर होता है यार टीम पे। मैं उनको तब पूछने कभी टीम से, मैं सारा वक्त उनको कहा कि ये वर्ल्ड कप हम जीत के आएंगे, कामयाबी तो अल्लाह देता है, कामयाबी नौजवान अल्लाह देता है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है थ्री स्टूडेंट्स मेरी आज बात सुन लो, ये तुम मैच बड़ी बुरी तरह हारने लगे हो, मेरे जो MNAs गलती कर बैठे हैं
आज मैं आपको पैगाम दे रहा हूं कि मैं आपको माफ कर दूंगा, वापस आ जाए, वापस आ जाए। साफ चली, शफाफ चली। हम सबसे गलतियां हो जाती हैं। अल्लाह रहमान और रहीम है, माफ करने वाला है। मैं क्या चाहिए हूं, मैं तो जिस तरह का बाप की तरह हूं, बाप अपने बच्चों की गलतियां माफ कर देता है। लेकिन फिर से आखिरी में बात कहूंगा, खुदा के वास्ते, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के वास्ते ये गलती ना करना, ये गलती ना करना। मुझे लोगों ने कहा कि इमरान खान, ये सुने, मुझे लोगों ने कहा, उन्होंने ये कहा कि देखें, वो तो उनके पास सिंध की हुकूमत है, वो तो सिंध की हुकूमत का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके पास तो पंजाब, पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है, आपके पास तो बहुत ज्यादा पैसा है, आप इनको खरीद के वापस ले आए। मैंने अपने लोगों को कहा जिन्होंने मुझे ये तजवीज दी, मैंने कहा सबसे पहले मैं अल्लाह को जवाब दे हूं, मुझे अपनी आखिरत की फिक्र है। बोल्ड है काफी। अवाम का पैसा चोरी करके, यानी अवाम का पैसा जो होता है ना, गवर्नमेंट का पैसा होता है, आपका पैसा, ये ऐसे ही है कि मैं पख्तूनख्वा के लोगों का पैसा इस्तेमाल करके और अपनी गवर्नमेंट बचाऊं? अगर मैंने लोगों का पैसा चोरी करके अपनी गवर्नमेंट बचानी है, इससे बेहतर है कि मेरी गवर्नमेंट चली जाए। ग्रेट थिंकिंग। अगर मैंने अपने जमीर का सौदा करके रिश्वत देनी है एमएलएस को, मैं लानत भेजता हूं ऐसी हुकूमत को। और ये डर गई, जरा ये सुने, वो जो वो कौन है, अच्छा ये मुझे बताए, वो कौन है जो सूट पहन के, टाई लगा के, वो बड़ी बड़ी टोपी पहन के फिरता है पाकिस्तान में, वो कौन है? नो आइडिया। ये वो है नहीं, ये डीजल नहीं है। ये वो आदमी है, सुने जरा, ये इसने मुझे तजवीज दी है, सुने जरा, इस बेशरम ने मुझे तजवीज दी है कि इमरान खान आपको एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए था। इसके बेटे ने भी ये तजवीज दी है और फिर इसने कहा है, दरगई में नौजवानों बेशर्मी की इंतहा देखो, कहता है कि यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स ने, उनकी आपको तनकीद भी करनी चाहिए थी ओपनली। जरा शहबाज शरीफ और आपके बेटे और वो जो उधर बैठा हुआ है डरपोक झूठा, मुजरिम डरपोक और झूठा, कोई बुलाया तो, और अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में बाहर बैठा हुआ है, जरा सुन लो मेरी बात। मुझे ये बताओ कि मैंने एब्सोल्युटली नॉट किस बात पे किया था? उन्होंने मेरे से पूछा था कि क्या पाकिस्तान अमेरिका को बेस देगा अफगानिस्तान के अंदर, अगर इंतजार हो तो यहां से बेस इस्तेमाल करें अफगानिस्तान के खिलाफ, ये उससे मेरे से पूछा था। मैं आप सबको, नौजवानों हैं, आपको बताना चाहता हूं, मैं जब 25 साल पहले पॉलिटिक्स में आया था तो मेरी पार्टी का नस्बुलैन था, इया कनाब दो वैया कनस्ताइन, अल्लाह तेरी इबादत करता हूं, तेरे से मदद मांगता हूं। मैंने जब से पहले दिन से मैंने क्या कहा था कि ना मैं कभी किसी के सामने झुका हूं, ना अपनी कौम को किसी के सामने झुकने दूंगा। बहुत अच्छी बात। जो हमने अमेरिका की जंग में शिरकत की, जो नौजवानों पाकिस्तान ने अमेरिका की जंग में शिरकत की, 80,000 हमारे लोगों की जाने गई। ओके गाइस, सो वीडियो ये था, बहुत कुछ था इस वीडियो के अंदर, मतलब बहुत चीज़ों के बारे में जो इमरान सर उन्होंने बात की है।
अच्छा एक चीज़ सोचने वाली है कि पाकिस्तान की आवाम बहुत प्राउड फील करती है, मतलब उनका पीएम अपनी अपनी कंट्री के पीएम के बारे में ज़्यादातर उन्हीं लोगों को ज़्यादा पता होता है ना, क्योंकि अब कंट्री के लिए उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या कर रहा है तो वहाँ की आवाम ज़्यादा अच्छे से समझ सकती है। मुझे तो खैर इतना इन डेप्थ नहीं पता, बट हाँ जितने भी बार मैंने वीडियोज़ पर रिएक्शन किया है और मेरी ज़्यादातर जो ऑडियंस है मेरे चैनल पर वो पाकिस्तान से बिलोंग करती है, तो जितनी बार इससे पहले वीडियो पर रिएक्शन किया है अप्रिशिएट करते हैं और बोलते हैं इन जैसा लीडर हमारे को कभी मिल ही नहीं सकता। तो मतलब अगर ऐसा है, ऐसे वहाँ के लोग की अगर थिंकिंग है, तो अब ऐसा क्यों हो रहा है कि उनकी जो कुर्सी है वो खतरे में है, अब उनके अपनी पार्टी के जो लोग हैं वो गिराने पे तुले हुए हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न है वो तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ पा रहा। और इमरान सर का ये भी कहना है कि उनके जो अपोजिशन वाले हैं कहीं ना कहीं उन्होंने उनको खरीद लिया है। अब मुझे तो यही लगता है यार, अगर वाकई में वहाँ की आवाम उनको पसंद करती है और उनको बेस्ट लीडर मानती है कि हम इनको ही अपना लीडर देखना चाहते हैं आगे भी, तो मुझे नहीं लगता उनको कोई भी इन चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा और उनकी कुर्सी कोई भी हिला सकता है। कि वो तो जब पाकिस्तान की आवाम जब वोट करेगी ना तो ऑटोमेटिकली पता लग ही जाएगा कि इमरान सर आएंगे या नहीं। वैसे मुझे लगता है वो ही आएंगे। आप लोगों के थॉट्स क्या हैं, आप लोग क्या चाहते हो कि मतलब अभी तक उन्होंने जो भी काम किए हैं पाकिस्तान में उससे आप लोग सेटिस्फाई हो या फिर नहीं है। तो बाकी मुझे लगता है ये स्पीच बहुत बड़ी रही होगी, ये बहुत छोटा वीडियो मुझे मिला है और इस स्पीच के अंदर ना काफ़ी यू नो तीखे वार भी करते नज़र आए इमरान सर, जो पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे ना नवाज शरीफ, उन पर इनडायरेक्टली कई सारी बातें बोली हैं इन्होंने। तो उनके बारे में यही बोला ना कि झूठा है, चोर है, मतलब एक चीज़ है यार कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अच्छा बोले बुरा बोले लेकिन बोलते बिल्कुल क्लियरली हैं बिना किसी की परवाह करे। मुझे ये इनका जो अंदाज़ है ना बहुत सही लगता है। कि जो उन्होंने रहमतुल्ला आलमीन अथॉरिटी के बारे में जो बात की ना वो मुझे बहुत प्यारी लगी, मतलब मुस्लिम कंट्री के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है ये कि अगर वहाँ पर ऐसा कुछ यू नो इनिशियल लिया जा रहा है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि इस चीज़ की जो हम तालीम है वो स्कूल्स और कॉलेजेस से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर यू नो शायद मे बी वो कुछ अलग डिपार्टमेंट बनाएंगे टीचर्स का, जो कि वहाँ पर बच्चों को बिगनिंग से ये सिखाएंगे कि जो हमारे प्रॉफिट थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उनकी लाइफ कैसी थी, और होगा कि जो आने वाले बच्चे होंगे ना वो हमारे जो प्रॉफिट हैं, मतलब उनकी सीरत, उनका रास्ता, उनकी ज़िंदगी से यू नो मतलब लोग इंस्पायर्ड होंगे और उनके बारे में उनको बताया जाएगा, एक अलग से जो है तालीम दी जाएगी, अच्छे और बुरे की समझ सिखाई जाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं ऑब्वियसली, इन्होंने बहुत कम बताया स्पीच में, तो अगर वो ऐसी अथॉरिटी बनाने का सोच रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके अंदर बहुत कुछ होगा, तो मुझे वो चीज़ इनकी बहुत सही लगी। क्योंकि ये इनिशियल अगर होगा तो डेफिनेटली बच्चा बचपन से बहुत अच्छे ट्रैक पर रहेगा, उसको सही गलत की पहचान होगी कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बट मुझे ओवरऑल इनका स्पीच बहुत अच्छा लगा और बात करने का अंदाज इनका बहुत सटीक रहता है, एकदम क्लियर फॉरवर्ड ये बोलते हैं। लेट्स सी कि आगे क्या होता है कि लोग इनको वोट करके वापस से जिताते हैं या फिर इनकी कुर्सी वाकई में खतरे में है, तो चलिए वो तो पता लग ही जाएगा कुछ दिनों के अंदर अंदर। एनीवेज गाइज, ये था मेरा रिएक्शन, आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा वीडियो, अच्छा लगा पसंद आया तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।